नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केळकर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और ठाणे में केळकर तुरंतकर साइकेट्री नर्सिंग होम में एज अ साइकेट्रिस्ट काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए में आज हम डिमेंशिया के बारे में डिस्कस करेंगे। डिमेंशिया एक प्रकार की बीमारी है जिसमें लोग अपना, जिसको हम स्मृति भ्रंश भी कहते हैं, यानी लोग अपनी मेमोरी लॉस, मेमोरी धीरे धीरे लूज करने लगते हैं, भूलने की बीमारी, और उसके साथ साथ उनकी समझ भी धीरे धीरे कम हो जाती है। ये जनरली 60 एज में हो सकता है। काफ़ी लोगों को 55 से शुरुआत होती है, कोई 75-80 में भी हो सकता है। आज साइंस इतना डेवलप हो गया है कि हमारी जिंदगी का समय बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ डिमेंशिया के पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि ऑलमोस्ट 5% लोग पूरी दुनिया में 5% लोग डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं। अब ये डिमेंशिया होने की वजह क्या है? हमारे ब्रेन में सेल्स होते हैं, वो सेल्स धीरे धीरे डेड होने लगते हैं, उनकी डिजेनरेटिव प्रोसेस शुरू हो जाती है। कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन्स और प्लाक्स, उनका डिपोजिशन वो सेल्स में होने लगता है, उसकी वजह से वो डेड होने लगते हैं और वो एरिया काम करना धीरे धीरे बंद हो जाता है। अब इसमें अलग अलग प्रकार के डिमेंशिया हैं। फर्स्ट है अल्जाइमर्स डिमेंशिया, दूसरा है पोस्ट ट्रॉमेटिक डिमेंशिया, यानी एक्सीडेंट की वजह से या दिमाग को मार लगने की वजह से होने वाला डिमेंशिया, तीसरा है पोस्ट हिमरेजिक डिमेंशिया या पैरालिसिस की वजह से होने वाला डिमेंशिया, जिसमें ज़्यादातर जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है जिनको, जैसे बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, उन लोगों में ये हिमरेजिक डिमेंशिया दिखता है। पोस्ट ट्यूमर डिमेंशिया, या फिर जिसको कह सकते हैं कि जिनको ट्यूमर्स है या फिर कुछ गोला है दिमाग में या खून की गांठ है, उसकी वजह से होने वाला डिमेंशिया। थायराइड की वजह से होने वाला डिमेंशिया, यानी थायराइड प्रॉब्लम्स जिनको है उनको भी डिमेंशिया हो सकता है। विटामिन डिफिशेंसी की वजह से भी डिमेंशिया हो सकता है। ये अलग अलग प्रकार के डिमेंशियाज हैं। अब इसके लक्षण क्या क्या है? काफ़ी बार ऐसा होता है कि रिलेटिव्स हमारे पास पेशेंट्स लेके आते हैं और वो ऐसे गुस्से में बात करते हैं कि जैसे कि ये जो डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं ये जानबूझकर सब कर रहे हैं। जैसे कि वो कंप्लेन करते हैं कि ये सोते नहीं हैं, ज़बरदस्ती एक ही चीज़ डबल डबल करते हैं, तकलीफ़ देते हैं, तो उन्हें हमें समझाना पड़ता है कि ये बीमारी की वजह से उनको हो रहा है, वो जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको ये समझने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो फर्स्ट जो हमको कंप्लेन काफ़ी लोगों में मिलती है वो है भूलने की बीमारी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये इनको कुछ याद ही नहीं रहता, हर बात भूल जाते हैं, चार चार बार एक ही चीज़ पूछते हैं। तो ये जो भूलने की बीमारी है ना, इसका भी एक पैटर्न डिमेंशिया में होता है। जैसे कि जो रीसेंट चीज़ें हैं वो पहले वो भूलने लगते हैं। जैसे अभी मैंने एक घंटे पहले कोई मुझे मिला, मैं नाम भूल गया, मुझे नहीं मालूम, या फिर सुबह क्या खाया, रात में क्या खाया, या चाय पी कि नहीं, ये वो लोग भूल जाते हैं। उसके बाद लेकिन उसके बाद रिमोट जो मेमोरीज है, यानी एकदम से पुरानी वाली, वो पहले पहले उनको याद रहती है, लेकिन जैसे जैसे ये डिमेंशिया की इंटेंसिटी बढ़ जाती है वैसे वैसे उनको रिमोट मेमोरीज जो है वो भूलने लगते हैं। जैसे कि अगर उनको पूछा गया कि आपका गांव कौन सा है या आपकी शादी कब हुई, तो शुरुआत में वो बताते हैं, लेकिन धीरे धीरे तीव्रता की वजह से वो भूलने लगते हैं। उसके साथ नींद ना आना, काफ़ी लोग वो प्रॉब्लम हो जाती है, रिलेटिव्स कंप्लेन करते हैं कि ये दिन भर सोते हैं और जैसे भी शाम को हुई तो वैसे वो एक्टिव हो जाते हैं और रात भर सोते भी नहीं है और घर में किसी को सोने भी देते नहीं है। उसके साथ साथ उनका जो ओवरऑल बिहेवियर है
उनका स्वभाव भी बदल जाता है, उनका बर्ताव बदल जाता है। एकदम शांत रहने वाला इंसान या लगने वाले इंसान एकदम से एग्रेसिव, इरिटेबल हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो वो काफ़ी लोगों में दिखाई देता है। धीरे धीरे जैसे तीव्रता बढ़ती है डिमेंशिया में, वैसे ये लोग ना अपना बैलेंस खोने लगते हैं, या फिर उनको वहम शुरू हो जाता है। यानी उनको ऐसा लगता है कि सामने मेरे कोई खड़ा है, मेरे से बात कर रहा है, वो बड़बड़ करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, शक करने लगते हैं कि मेरे घर वाले लोग, मेरा बेटा, मेरी बहू मुझे खाने में कुछ मिला के मार डालेंगे, वो चिल्लाने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स भी उनको शुरू हो जाती है। तीव्रता की जैसे जैसे बढ़ जाती है, वैसे उनको हर चीज़ में मदद लगने लगती है। यानी कि छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कपड़े पहनना, खाना खाना या फिर बाथरूम जाना, ये चीज़ें वो धीरे धीरे अकेले नहीं कर पाते इंडिपेंडेंटली। उसके साथ साथ वो चीज़ें इस्तेमाल करना भी धीरे धीरे भूलने लगते हैं। यानी ये ब्रश है, इसको ब्रश बोलते हैं और इसे हम ब्रश करते हैं, या फिर ये पेन है, हम पेन से लिखते हैं, ये भी वो भूलने लगते हैं। और उनका एग्रेशन बढ़ने लगता है, उनको गुस्सा जल्दी आने लगता है, और ओवरऑल उनका जो पर्सनालिटी है वही चेंज होने लगता है। वो नाम भूलने लगते हैं लोगों के, उनको याद नहीं रहता। और उसके साथ साथ वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी भूलने लगते हैं। यानी कि प्लान कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये सब वो धीरे धीरे भूलने लगते हैं। ये थी डिमेंशिया के लक्षणों के बारे में जानकारी। और इसके बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे केळकर तुळणकर साइकेट्री नर्सिंग होम के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9503309619। नमस्ते।